हेलो चिल्ड्रन, आई एम किरण फ्रॉम अंजार नगर पालिका इंग्लिश मीडियम प्राइमरी स्कूल विच इज़ मैनेज्ड बाय म्यूनसिपल स्कूल बोर्ड. चिल्ड्रन, टुडे वी विल लर्न संस्कृत सब्जेक्ट स्टैंडर्ड 7-7-1. चिल्ड्रन, टुडे वी विल स्टार्ट आवर चैप्टर्स विथ वंदना बोइंग. Now children, listen and chant the slokas often with correct pronunciations. Today I am going to teach Sanskrit in standard 7th. So let's start with the first poem. First poem is Vanna. The whole poem in this video and I am explain the poem. First I read all slok in Sanskrit. First slok is या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः. पठामि संस्कृतं नित्यं, वदामि संस्कृतं सदा, ध्यायामि संस्कृतं सम्यक्, वंदे संस्कृतमातरं. शुभं करोति कल्याणं, आरोग्य धन संपदं, शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते. मुखं करोति वाचालं, पड़गुलड़गयते गिरिं, यत्कृपातं अहं वंदे परमानंदम माधवं. नाउ आई एक्सप्लेन दिस पोएम. फर्स्ट श्लोक इज या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः. तो फर्स्ट श्लोक में देवी सरस्वती को देवी सरस्वती की वंदना की गई है. तो फर्स्ट श्लोक में क्या कहा है कि हे देवी, आप सभी प्राणियों में विद्या के रूप में रही हो. सर्वभूतेषु मतलब सब में, विद्या रूपेण मतलब सब में विद्या के रूप में रही हो. तो ऐसी देवी को मैं नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, बार बार नमस्कार करता हूँ. अब सेकंड श्लोक, पठामी संस्कृतम नित्यम, वदामी संस्कृतम सदा, ध्यायामी संस्कृतम सम्यक, वंदे संस्कृत मातरम. तो सेकंड श्लोक में संस्कृत लैंग्वेज की बात कही. तो क्या कहता है कि मैं हमेशा पठामी मतलब मैं हमेशा संस्कृत भाषा पढ़ता हूँ. फिर वदामी संस्कृतम सदा, मैं हमेशा संस्कृत बोलता हूँ. अब सेकंड लाइन, ध्यायामी संस्कृतम सम्यक, वंदे संस्कृत मातरम. क्या बोला है कि मैं अच्छी तरह से संस्कृत का ध्यान करता हूँ. ऐसी संस्कृत भाषा रूपी माता को मैं वंदन करता हूँ. थर्ड श्लोक, शुभम करो तू कल्याणम, आरोग्य धन संपदम, शत्रुबुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते. अब थर्ड श्लोक के अंदर दीपक की बात कही है कि हम हमेशा दीप जला के भगवान की आराध्या करते हैं. और कुछ भी हिंदू संस्कृति में हम कुछ भी अच्छा काम, शुभ काम करने से पहले दीप की ज्योत प्रज्वलित करते हैं. तो ऐसे दीपक को प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हमारे हमको शुभ मतलब अच्छा, कल्याण और स्वास्थ्य और धन संपत्ति हमें प्रदान कर. और दीपक को क्या कहा है कि आपकी ज्योत से हमारे मन के अंदर जो शत्रुता का भाव रहा है उनको तू विनाश कर. ऐसे आपको मैं नमस्कार करता हूँ. अब फोर्थ श्लोक, मुकम करो तू वाचालम, पड़गु लड़ गए ते गिरी, यत कृपा तम वंदे परमानंदम माधवम. अब फोर्थ श्लोक में विष्णु भगवान की बात की है. अब विष्णु भगवान के प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे विष्णु भगवान, आपकी कृपा से जो बोल नहीं सकता है वो बोलने लगता है, और आपकी कृपा से जो चल नहीं सकता मतलब जो हैंडीकैप है वो
पहाड़ भी चढ़ सकता है। ऐसे परम आनंद स्वरूप विष्णु भगवान को मैं वंदन करता हूँ। इस तरह फर्स्ट लेसन वंदना में हमें चार अलग अलग श्लोक दिए हैं। तो फर्स्ट में देवी सरस्वती को वंदना की है, सेकंड में संस्कृत भाषा की बात कही है, थर्ड में दीपक की बात कही है और फोर्थ में विष्णु भगवान के बारे में कहा है। अब ये चारों श्लोक हम संस्कृत में इंग्लिश में ट्रांसलेशन उसका देखेंगे। तो फर्स्ट है जिसमें देवी सरस्वती की वंदना कही है, तो इसका ट्रांसलेशन कुछ इस तरह से आएगा। फर्स्ट है बोविंग बोविंग अगेन एंड अगेन टू द गॉडेस एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ लर्निंग इन ऑन एनिमल्स। अब सेकंड श्लोक आई ऑलवेज रीड संस्कृत, आई ऑलवेज स्पीक संस्कृत, आई मेडिटेट संस्कृत वेल, आई बो टू द मदर संस्कृत लैंग्वेज। अब थर्ड श्लोक ओ लस्टर ऑफ द लैम्प डू ऑस्पियस वेल विशेष हेल्दी एंड वेल्दी बोइंग टू यू फॉर डिस्ट्रॉय ऑफ एनिमीज इविल थॉट्स। अब फोर्थ वन में आई बो टू द डिलाइट गॉड श्री विष्णु हुज ग्रेस मेक द डम्प स्पीकिंग एंड गिव्स स्ट्रेंथ ऑफ क्रॉसिंग अ माउंटेन टू द हैंडीकैप। इस तरह से हमें चार अलग अलग श्लोक दिए हैं और उनका इंग्लिश ट्रांसलेशन कुछ इस तरह से था। थैंक यू।